गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं कोई लॉन्ग राइड का प्लान नहीं कर रहा हूँ। आज हम गुवाहाटी में ही एक ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पर हम रिवर के मज़े लेंगे और एक अच्छी हाइट से हम एक आइलैंड को देखेंगे। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं रोपवे। दोस्तों, आज का एक्सपीरियंस बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि समय मज़ेदार है, मौसम मज़ेदार है और गुवाहाटी का ट्रैफिक सुभान अल्लाह वो भी मज़ेदार है। दोस्तों, यात्राओं के मामले में गूगल माता बहुत ही सहायक है और हम अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं काहलीपाड़ा से रोपवे स्टेशन तक की दूरी कुल 8.5-9 किलोमीटर की है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं और इस मैप में मैं आपको 3D वाला लुक में भी समझाऊंगा। ये जो रेड स्पॉट है, ये आपका रोपवे स्टेशन है, यहाँ पर हमें जाना है। और सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क है रोपवे स्टेशन का नेहरू पार्क। आप कहीं से भी आइए, आप अगर बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, तो वही बंदे को बोल दो कि नेहरू पार्क तक छोड़ दे या फिर रोपवे स्टेशन तक छोड़ दे, वो आपको वहाँ पर छोड़ देगा। दोस्तों, राइड को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों, समय हो चुके हैं दोपहर के 2 और हमारे साथ है ध्रुव भाई और प्रतुल। अभी भूख लग रही है, तो सबसे पहले खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद आगे निकलेंगे। दोस्तों, भूख इतनी लगी थी कि वीडियो शूट करने से पहले ही हमने आधा प्लेट साफ कर दिया। अतुल जी अपना मील एंजॉय करते हुए। भाई का प्यार। अतुल, हाउ इज द फूड? कितना दोगे? आउट ऑफ 5। ध्रुवा भाई, कितना दोगे? 5/5। फूड इज वर्थ इट। प्राइस पॉइंट ऑसम। दोस्तों, राइड फिर से हम शुरू कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी प्लैनेटेरियम और कुछ ही पल में हम पहुंच जाएंगे रोपवे स्टेशन। पार्किंग आसे तू छोटो ला रहा है। दोस्तों, आखिर में हम पहुंच चुके हैं रोपवे स्टेशन गुवाहाटी। क्या खूबसूरत नज़ारा है वाकई। दिस इज द एंट्री गेट। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं का कार, अपनी बाइक। दोस्तों, ये रहा रोपवे मेन बिल्डिंग। प्रतुल भाई, कैसा लग रहा देख के? बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं आगे, लेट्स एक्सप्लोर क्या होता है। दोस्तों, ये रहा रोपवे का इंजन रूम। लाइन तो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है। दोस्तों, ये रहा टिकट काउंटर जहां पर प्रतुल लाइन पे लग चुका है। यहां पर आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी पर पर्सन 60 रुपये वन वे का, और बोथ वे का टिकट लेने से 100 रुपये पर पर्सन। और साथ ही रोपवे आपका सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है। इंतजार करते हुए रिटर्न है ना? रिटर्न तो टिकट काउंटर पहुंच के और एक बात पता चली कि विदाउट मास्क आपको टिकट नहीं मिलेगा। और सेकंड थिंग, अगर आप बोथ वे का टिकट लेना चाहते हैं तो आपको 8 से 12:30 के बीच ही लेना होगा। 12:30 के बाद आपको सिर्फ वन वे का ही टिकट दिया जाएगा,
और रिटर्न आने का टिकट आपको सेकंड टर्मिनल से ही लेना होगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे टू वे टिकट इशू नहीं हुआ ड्यू टू टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन के कारण टू वे टिकट नहीं मिला। बिल्डिंग में एंटर करने से पहले यहाँ पर प्रॉपर आपकी फ्रिस्किंग होगी, फ्रिस्किंग होने के बाद आपको एंटर करने दिया जाएगा। अरे ध्रुव भाई, यस, हाउ यू आर फीलिंग हियर? आई एम फीलिंग सो गुड, सो कूल। दोस्तों बिल्डिंग में एंटर करने के बाद आपको लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर में जाना है। Live your life for just one night, no looking back. 'Cause tonight will make you right. दोस्तों हम कैबिन तक पहुंच चुके हैं और आप और मैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और यहाँ पर प्रतुल ऑपरेटर के सीट पर बैठा हुआ है क्योंकि कैबिन में बैठने के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको खड़े ही आपको ट्रैवल करना होगा। और कैबिन में प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी है, साथ में पंखे वंखे भी लगे हुए हैं और एक समय में सिर्फ 30 लोग ही कैबिन से ट्रैवल कर सकते हैं और आपके साथ एक कैबिन ऑपरेटर मौजूद रहेगा। सो दोस्तों कैबिन के दरवाजे हो चुके हैं बंद और कुछ ही पल में कैबिन चलना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा ट्रैवल डिस्टेंस रहेगा 1.82 किलोमीटर का और ट्रैवल टाइम रहेगा 7 से 10 मिनट का, यानी कि हम 7 से 10 मिनट के भीतर ही हम दूसरे टर्मिनल में होंगे। और साथ ही दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूँगा रोपवे के बारे में, जैसे कि कुल 14 साल का वक्त लग गया इस रोपवे को बनने में और 56,08,20,000 की लागत आई। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट GMDA असम को 2006 में मिला था, 2009 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और अगस्त 2020 में ये कंप्लीट हुआ और ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। Take a chance, live your life for just one night, no looking back, 'cause tonight will make you right. So, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है कैबिन से बाहर का और आपने नोटिस किया है कि नहीं, कैबिन की परछाई नदी में साफ साफ दिख रही है। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड उमानंदा का। वाओ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रजाद्वार विलेज नॉर्थ गुवाहाटी और यहां से नीचे उतरने के बाद हम बाहर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जगह को और यहां से रिटर्न जाने का प्लान हमारा कुछ दूसरा है, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों अब हम रोपवे टर्मिनल के बाहर आ चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया राइड में और अभी हम थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को, उसके बाद हम रिटर्न जाएंगे। कर रहे हैं हम लोग वॉक करते जा रहे हैं उमानंद के यहाँ पे पार में, यहाँ पे एक मंदिर आप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे अभी तक। दोस्तों यहाँ पर ध्रुव भाई ने मेरे ब्लॉग को ओवरटेक कर लिया है, बट बातें तो होती रहेंगी, पहले हम नेचर के मज़े लेते हैं और साथ ही ध्रुव भाई यहाँ से गाइड करेंगे। ये सिटी से बहुत बाहर है और ऐसा लगता है। सो अभी हम आए थे ऊपर से, जा रहे हैं पानी के थ्रू। दोस्तों अभी हम हैं नॉर्थ गुवाहाटी के एक विलेज में, इस विलेज से होते हुए हम जाएंगे फेरी तक और फेरी से हम वापस जाएंगे सिटी तक।
दोस्तों बज चुके हैं शाम के 5 और हम फेरी के पास पहुंच चुके हैं और यहां से नज़ारा बहुत ही सीनिक है और सनसेट होने वाला है। दोस्तों टिकट हमने ले लिया है जो कि कुछ 2.5 रुपया पर पर्सन पड़ा सिटी तक के लिए और अब देखिए यहाँ से नज़ारे बहुत ही ऑसम आने वाले हैं, व्यूज बहुत ही सीनिक है यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर फेरी पे बैठने के लिए बहुत सारी जगह है, आप चाहे तो बैठ सकते हैं या फिर मेरी तरह घूम के आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं। दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, असम ग्रेटेस्ट वॉरियर वीर लाचित बोरफुकन। तो दोस्तों होने जा रहा है सफ़र का अंत, हम ऑलमोस्ट पहुंचने जा रहे हैं किनारे पे और हमें कुछ 20 मिनट का समय लगा यहां तक पहुंचने के लिए। सो दोस्तों फेरी राइड करने में बहुत ही मज़ा आया, रोपवे राइड भी मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चना चना बस 1 किलोमीटर।